आती हैं डेट्स के साथ। देखिए सबसे पहली चीज डेट में है, डेट की एंट्री कैसी होनी चाहिए। डेट की एंट्री आपके प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिस तरह से मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर इस तरह से डेट्स आ रही हैं आपकी तो ओके है, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे एंटर कर रहे हैं जैसे 12 जून है, तो इसकी एंट्री जो वो ऐसे लेगा, पहले मंथ आएगा, देन डे आएगा, फिर आपका ईयर आएगा, तो आपकी डेट सही से लेगा, अपने आप ये कन्वर्ट होके ऐसे आ जाएगा। आप डेट फॉर्मेट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं या कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाऊ मैं, तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है मेरा। तो यहाँ तो डेट सही है, कंट्रोल शिफ्ट 3। हाँ, अब डेट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, एक बार अपनी रेंज में फिल्टर लगा लीजिए, और जैसे ही आप फिल्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये मेरे पास डेट की निशानी है, पहले तो ईयर दिखाएगा, जैसे 2014 की डेट देख रहे हैं, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ मंथ आ जाएंगे, और हर मंथ के प्लस को माइनस करेंगे तो यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी जो भी अवेलेबल होंगी जनवरी में, 2014 में जनवरी में ये डेट्स हैं। तो अगर आपका डेटा इस तरह से आ रहा है तो सही है, बट दिक्कत क्या होती है, अपने यहाँ डेट जो डालते हैं वो ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं वो पेशर वैल्यूज कर लूं, और बीच में डेट क्या है कि वो कुछ इस तरह से डाल देते हैं, कई बार ऐसे डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों फॉर्मेट ही गलत हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं। आप अगर ऊपर वाले फॉर्मेट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डॉट में दिखा रहा है, यहाँ पे स्लैश में दिखा रहा है, पर इनको देखेंगे तो यहाँ 2012 इस तरह से दिखा रहा है। अब जैसे ही आप फिल्टर करेंगे तो इसमें ये दो डेट अलग से दिखा देगा आपको, मतलब कि ये डेट फॉर्मेट में है ही नहीं। कोई तरीका है अगर गलती हो जाए तो करने का? हाँ जी बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, आप डेट को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी, जो भी डेट है, जो भी गलत गलत डाली हमने, सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ डेटा में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा में एक टेक्स्ट टू कॉलम है, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, दो बार नेक्स्ट कर देंगे, MDY फॉर्मेट है, फिनिश कर देंगे, मतलब MDY फॉर्मेट तो आपका ऊपर लगा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा कि कौन सी डेट्स गलत है। जो आपकी ऐसे ईयर में दिखा रही है वो तो सही है, पर जो आपकी गलत है वो ये वाली है, आपको दिखा देगा, आपको इनको सिलेक्शन देना पड़ेगा। जब आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपके पास गड़बड़ वाली डेट आ जाएंगी, फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, अब नेक्स्ट नेक्स्ट दो बार करेंगे, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो डेट का फॉर्मेट है MDY में है। MDY का मतलब होता है मंथ पहले, डेट बाद में, ईयर इधर, एक्चुअल में क्या डली हुई है, 20 इधर है, 12 इधर है, 14 इधर, मतलब डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। तो यहां से डेट मंथ और ईयर का फॉर्मेट सिलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही फिनिश करेंगे ये आपकी सही डेट दिखा देगा, ठीक है जी। वो डेट फॉर्मेट अपने आप कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब हम जरा फिल्टर को देखेंगे तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेट्स नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है जी। सर आपने, हेलो सर, हाँ जी, आपने जैसे भी बताया तो इसमें सिर्फ दो ही डेट्स थी, तो आपने यहाँ पे फिल्टर कर लिया माउस से, सर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे तो हम कहाँ एक एक रिकॉर्ड को जा करके चेक करेंगे उसमें? करेक्ट कह रहे हैं, बट अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो ईयर तो लिमिटेड होंगे ना आपके पास, आप यहाँ से इनको हटा दीजिए।
सर थाउजेंड्स में से अगर 200 भी 300 भी रिकॉर्ड अगर गलत होंगे, मतलब उस फॉर्मेट में होंगे, मैं तो उनको बेशक यहाँ पे हूँ, चेक करने में ही मैं 15-20 मिनट लग जाएगा। नहीं लगेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास कितनी भी हो तो कौन से ईयर का रिकॉर्ड होगा आपके पास? 10 साल का होगा, 20 साल का होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है। हाँ तो सबसे, नहीं हाँ तो सबसे बेटर फॉर्मेट है, यहाँ सिलेक्ट ऑल रहने दीजिए और ईयर्स को यहाँ से हटाते चले जाइए। ठीक है जी, ओके ओके मैंने ठीक है, 7 साल ये का भी सही है। बाकी सिलेक्टेड आपको दिखाएगा, ब्लैंक्स भी हटा दीजिए। करेक्ट, ठीक ठीक है, करेक्ट है जी, तो हो जाएगा। अब हाँ तो ऑप्शंस आपके पास हैं। और अगर उसमें फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक सिंपल सा वो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बीस 12 14 और यहां से एक और डेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब गलत डेट की पहचान, सही डेट की पहचान क्या है कि आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप इसमें +1 कर दीजिए बस, सिंपल। ठीक है जी, आगे एक फॉर्मूला मैंने लगा नहीं के बताया। +1 कर दीजिए, और इसको जब इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको? जाएगा जो कलर वाली रहेगी वो हैश वैल्यू आ जाएगा। हाँ, वहां एरर आ जाएगी, तो इस पे क्या कर करेक्ट, दीजिए, फिल्टर लगा दीजिए। वैल्यू आ हाँ, तो जाता आपको यहां से क्या सिलेक्ट करने, खाली वैल्यू वाले, बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं है। फिर मिल गया आपको सिलेक्शन, मिल गया टेक्स्ट टू वैल्यू। कॉलम, करेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां से जाके DMY सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है जी, हो गया, करेक्ट। आप बेशक इसको डिलीट कर दीजिए। ये सबसे फास्टेस्ट वे है डेट को ठीक करने का। अब इसके बाद जब इसमें सॉर्टिंग देंगे तो ये ले लेगा, यहां से अगर आप सॉर्ट करेंगे तो आप ये ले लेगा। यहाँ पे फिल्टर एंड सॉर्ट में चले जाइए, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, वो है ही, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ये फिर हो गया। ठीक है जी, तो ये फास्ट वे है आपके डेट को प्रोसेस करने के। ठीक ठीक है जी, अब आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है बेसिकली? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम में ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कि वो फॉर्मेटिंग जो आपकी कंडीशन पे बेस्ड हो। अब कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो इसमें दे रखी है खाली उन्हीं कंडीशंस पे चलेंगे हम। अपनी हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें कुछ नाम है और दूसरी लिस्ट में वहां कुछ नाम है, हमें ये चेक करवाने कि उस लिस्ट में ये नाम है कि नहीं। ऐसी कंडीशंस पे भी हम सेल को हाईलाइट करवा सकते हैं या फॉर्मेट करवा सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग में खाली सेल कलर करवाना ही नहीं होता है, आपका बॉर्डर, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, उनका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट नहीं, बाकी सारी चीजें, तो ये सब आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है। इवन नंबर फॉर्मेट भी, नंबर फॉर्मेट जो हमने किए थे ना वो भी, कस्टम फॉर्मेट भी, सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आ जाता है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना है, कैसे लगाएंगे, पहले तो हमें डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, नंबर, टेक्स्ट और डेट, हर एक के लिए अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। सारी फॉर्मेटिंग हर जगह अप्लाई नहीं होती। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होम टैब के अंदर हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहां देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन और लेस देन तो नंबर में ही चलता है। यहाँ पे आप वो नंबर डाल सकते हैं कि हमने कहा कि 50 से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो ये हाईलाइट हो गई सारी। यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, कौन से लाइट रेड फिल, डार्क रेड टेक्स्ट के नाम से है, और येलो फिल दिखाना है, येलो, ग्रीन फिल दिखाना है, लाइट रेड टेक्स्ट, रेड फिल, रेड टेक्स्ट ओनली, खाली लाल कर दे या फिर रेड बॉर्डर कर दे,
बॉर्डर ही रेड होगा खाली। तो ऐसी तो पहले से दे रखी है हमारे पास कुछ कंडीशंस, पर अगर आप अपनी चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाइए और आपके पास ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल गया है, जिसके अंदर आप नंबर फॉर्मेटिंग इवन चूज कर सकते हैं, फॉन्ट क्या होना चाहिए वो चूज कर सकते हैं, बॉर्डर क्या होना चाहिए वो चूज कर सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डार्क होना चाहिए या डॉटेड होना चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, ये सब चूज कर सकते हैं। फिल चूज, अपना कलर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने येलो करना है, ओके कर दिया, येलो करना है और फॉन्ट से मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है जी। तो येलो हो गई और बोल्ड हो गई, ठीक है जी, 50 से बड़ी वैल्यू। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने एक लगा दी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, ये फॉर्मेटिंग है, अभी इसी पे आपको दूसरा रूल अप्लाई करना है। कई बार क्या होता है कि एक ही सेल पे हमें दो चार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी, तो उसमें क्या होता है कि हम एक सेल पे कई बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, बट कई बार कंडीशन मिलती जुलती हैं, वो ओवरलैप होती हैं, आपस में ही भिड़ जाती हैं, कौन सी चले उस कंप्यूटर को भी नहीं पता पड़ रहा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले उसको हटाना भी जरूरी है। तो अगर आपको हटाना है तो डेटा सिलेक्टेड है आपका, क्लियर रूल में जाएंगे। सर अभी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, हाँ हाँ जी बताइए सर, एक बार भी एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें लगाना होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, दो तीन भी लगा सकते हैं, दो तीन भी लगा सकते हैं। अच्छा, दो तीन, ओके। मतलब आप अभी क्या करने वाले हो, आप ये जो लगी हुई है उसको क्लियर करके आप एक दूसरी फॉर्मेटिंग हाँ लगाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ खाली कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा इसी चीजों में फंसेंगे, क्योंकि एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी आपने बगैर हटाए हुए, दूसरी लगा रहे नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आपको क्लियर करने के भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्लियर रूल है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, आपके सिलेक्शन में ऐसे रूल्स हटा देगा, और एक है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, पूरी शीट में कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी वो हटा देगा। तो मैं फिलहाल सिलेक्टेड सेल से कर रहा हूं, ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास लेस देन, हमने कहा लेस देन 50 की जितनी वैल्यूज है वो दिखा दे, फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ओके। दूसरा तरीका क्या है, एक तो हम क्लियर रूल से जाके देख सकते हैं, या मान लीजिए इसी में कुछ हल्का फुल्का चेंज करना है, मैंने 50 नहीं 60 करना है, तो मैनेज रूल में जाएंगे और मैनेज रूल में ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलेगा, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए इसको, यहां से आपको एडिट करना है एडिट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, सेल वैल्यू लेस देन 50, मैंने कहा 60 करना है। जितने रूल्स इस कॉलम पे, इस कॉलम पे जितने भी रूल्स लगे हुए हैं वो यहाँ जब हम इस ऑप्शन में जाएंगे वो सारे में दिखने लगेंगे। हाँ जी हाँ जी, अगर मान लीजिए आपने सिलेक्ट एडिट करना हो, हाँ, हाँ मान लीजिए अभी ये दिखा रहा है करंट सिलेक्शन के, मतलब जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उनके, आपको पूरे के देखने हैं तो दिस वर्कशीट, शीट टू में, शीट थ्री में, शीट फोर में, किसी में भी कितनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है वो आपको यहाँ दिखा देगा। कोई नई लगाना चाहते हैं तो न्यू रूल्स के थ्रू भी लगा सकते हैं, पर इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल डिलीट करने का बता रहा हूँ, डिलीट या एडिट करने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं, इससे हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। अप्लाई करेंगे, गायब हो गया। तो हमने लेस देन देखा, बिटवीन, अब हमने कहा कि 50 से 70 के बीच वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है जी, ये हाईलाइट हो गई। इक्वल टू, अब देखिए ऊपर लेस देन ग्रेटर देन वाले जो ऑप्शन है वो खाली नंबर के लिए यूज होते हैं, पर इक्वल टू टोटली डिपेंड करता है सेल की वैल्यू के ऊपर, ये नंबर भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, जो भी आप लिखेंगे उसे तो इक्वल टू मैच करना है, ग्रेटर देन लेस देन का कोई सवाल ही नहीं। तो अगर मैं कोई इसमें डालता हूँ कि इक्वल टू 70 होनी चाहिए तो 70 हाईलाइट हो गई। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि जो नेम होना चाहिए वो इक्वल टू संदीप हो जाए तो ये यहां पे हाईलाइट दिखा रहा है, ठीक है जी, हरीश हो जाए, ठीक है जी। अब देखिए दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों लगाऊंगा। एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए
सर ऐसा भी हो सकता है कि नेम में हम वो नेम हाईलाइट कर दें जिनका सपोज नेम एस से स्टार्ट होता हो, कैरेक्टर एस से स्टार्ट होता हो। हो सकता है सर, मैं थोड़ा सा उसी पे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जो बताए गए ओके सर, चीजों में सारी चीजें होंगी वो। तो मैंने आपको दिखाया कि कोई भी नाम भी मैं हाईलाइट करवा सकता हूँ और डेट भी हाईलाइट करवा सकता हूँ, कोई भी डेट मैंने हाईलाइट करवानी है। तो इक्वल टू में क्या होता है, सिर्फ लॉजिकल कंडीशन होती है। तो मैंने कहा 20 मई 12 हाईलाइट हो गई। तो इक्वल टू के अंदर हम तीनों तरह की कंडीशन दे सकते हैं। अब बात आती है इसकी, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स वो चीज है जो आप पूछ रहे हो। मान लीजिए करेक्ट। जो जिन में आर है, बट ये वैसा नहीं है कि बिगिंस विद आर। कंटेन्स का मतलब है वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके। ठीक है जी, आगे के लिए कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि आगे इसे चेक करना है, पीछे से चेक करना है, कैसे करेंगे। अभी ये बता रहा है कि अब मान लीजिए जिसमें एस है या कुछ वी आई आर है, तो पार्शियल टेक्स्ट भी ये हाईलाइट कर सकता है। डेट अकरिंग, डेट अकरिंग का मतलब होता है कि कोई भी डेट इसके बीच की, उसके अंदर जब हम जाएंगे तो आपको डेट अकरिंग में काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यस्टरडे मतलब जो कल बीती हुई डेट है वो हाईलाइट हो जाए। अब बीती हुई डेट डालते हैं, कल क्या थी हमारी, 25 जून थी। अगर 25 जून की डेट कहीं भी होगी तो वो हाईलाइट हो गई यस्टरडे में। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, आपका वैल्यू के साथ चेंज होता है। और यस्टरडे का मतलब हर बार 25 जून नहीं रहेगा, मतलब कल आप देखेंगे तो वो 26 जून को हाईलाइट करेगा। ठीक है जी, तो डेट अकरिंग में काफी सारे रूल्स हैं। यस्टरडे का है, टुडे का है, टुमारो का है, आज की डेट को हाईलाइट कर देगा, कल आने वाली डेट को हाईलाइट कर देगा, इन द लास्ट 7 डेज मतलब जो पिछले 7 दिन बीते हैं उनमें से कोई हो डेट तो वो हाईलाइट कर देगा, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की, दिस वीक, इस हफ्ते की, नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते की, लास्ट मंथ, पिछले वाले मंथ में कोई हो। अब लास्ट मंथ देखते हैं, यहां से मैं फिल्टर बाय कलर कर लेता हूं, ये रही, तो पिछले महीने की डेट इसने हाईलाइट कर दी। ईयर नहीं है इसमें हाँ जी, देखिए सर, पिछला ईयर देखना हो। हाँ, बस जो इसमें चीज डेट है, देखना। जो चीज है वो तो वेल एंड गुड, जो चीज नहीं है वो कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, पहले हम ये देख रहे हैं कि एक्सेल ने हमें कितने फंक्शन ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है जी, हर एक चीज का इसमें ऑप्शन है। डुप्लीकेट वैल्यूज, अब इसमें लगाते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट है, ये भी डेट टेक्स्ट हर चीज में हो सकता है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आपकी हाईलाइट कर दी इसने। डुप्लीकेट में दो ऑप्शन है, डुप्लीकेट एंड यूनिक, यूनिक वैल्यू हाईलाइट कर दी। ठीक है जी, मान लीजिए आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, कोई चेक नंबर डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई डिलीट हो, मतलब डुप्लीकेट हो तो तुरंत हो जाए एंट्री कर रहे हैं डेटा एंट्री, तो उस जगह पे इसको लगा के छोड़ सकते हैं, तो जो भी डुप्लीकेट सेल होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स को देखने के लिए क्या करते हैं, अपना नंबर वाला सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें है टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 का मतलब ये नहीं कि खाली 10 ही आइटम्स दिखाएगा, आप चूज कर सकते हैं, आप टॉप 20 कर सकते हैं, टॉप 50 कर सकते हैं, कुछ भी। टॉप 10 या टॉप 20 का मतलब ये है कि आपका टोटल जैसे 200, 400 या जितने का भी रिकॉर्ड है उसमें से 10 जो हाईएस्ट रिकॉर्ड होंगे, टॉप रिकॉर्ड होंगे, मैक्सिमम वैल्यूज वाले, वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे जितने भी आप चूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉप 10%। अब टॉप 10% में भी आप फिगर दे सकते हैं, 10% चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए। अब देखिए टॉप 10 आइटम और टॉप 10% में क्या डिफरेंट है,
आपकी 100-200 वैल्यूज हैं, जितनी भी है, जितनी आइटम देंगे उतनी वैल्यूज दिखाएगा आपको। जैसे टॉप 10 वैल्यूज बोला तो आपको 10 ही आइटम दिखाएगा मैक्सिमम वाले, बट अगर आप टॉप 10% करते हैं, 10% का मतलब है ये पूरे का टोटल करेगा, फिर हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग 10% को चूज करके दिखाएगा। वो 10 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है। 200 अगर रिकॉर्ड है तो 20 रिकॉर्ड दिखाएगा टॉप 10। वो टॉप 10 आइटम्स दिखाएगा, टॉप 10% में वो जहां पे 20 रिकॉर्ड दिखाएगा, नहीं 20 नहीं दिखाएगा, वो 10% 20 जब दिखाएगा जब सबकी वैल्यू सेम हो। अब किसी में 90 पड़ा है, किसी में 10 पड़ा है, ठीक है जी, वो क्या करेगा पूरे का टोटल करेगा, फिर उसका 10% निकालेगा, फिर हाईएस्ट वाली वैल्यू उसको प्लस करना शुरू करेगा, और जैसे ही वो 10% के बराबर पहुंच जाएगा उतनी वैल्यूज आपको दिखा देगा। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया? नहीं आया। अब देखिए यहां पे मैं करता हूं टोटल इसका, टोटल निकला 11,000 समथिंग। अब मैंने क्या करा, इसका 10% निकाल लिया, ये निकला मेरे पास 1110। अब ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट करेगा सेल्स, यहां से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने सॉर्ट कर दिया। अब 1110 मैं क्या करता हूं, रनिंग टोटल ले लेता हूं। रनिंग टोटल कैसे लूंगा, यहां पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला में वैसे समझाया जाएगा। इसमें क्या करता हूं, मैं पहली वैल्यू को फिक्स कर देता हूं, दूसरी को वैसे रहने देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको खींचता जाऊंगा तो ये बढ़ता जा रहा है रनिंग टोटल, मतलब 10 में 11 प्लस किया, फिर 11 प्लस किया, ऐसे ऐसे करता गया। अब जब ये 1110 पे पहुंच जाएगा, ये मैंने ये लोएस्ट वाली है, एक्चुअली मुझे ये करना है हाईएस्ट वैल्यूज पे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहां पे करना है। क्या करना था, सम, यहां पे मैंने एक वैल्यू को फिक्स करना है, पहली वैल्यू को, देन इसको नीचे तक करना है ड्रैग, तो जहां 1110 के आसपास पूरा हो जाएगा, ठीक है जी, उतनी वैल्यूज हमारी ये हाईलाइट करा देगा। जरूरी नहीं है 10 हो, ज्यादा भी हो सकती। तो ये क्या हो गया, टॉप 10% हो गया, ठीक है जी। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या सच बात है क्या झूठ बात है। टॉप 10% मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है जी, तो टॉप 10% में इसने क्या निकाल दी हमारी, अब इसमें ज्यादा निकाल दी है इन्होंने, पर इसको देखते हैं डेटा इसका, जरा मैं करता हूं रिमूव डुप्लीकेट, टॉप 10% में एक्चुअल इसको लेना यही चाहिए, यहां पे कुछ वैल्यू गलत दिखा रहा है। बेसिकली आप लोग करेंगे तो उसमें यही चीज आपको मिलेगी, लार्जेस्ट में से 10% जो है वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है सर, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, नहीं समझेगा तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ हाँ, होता यही है टॉप 10% में, कि आप जो भी 10% आपके होगा टोटल सेल्स का, उसमें से जितनी भी सेल्स होंगी आपकी हाईएस्ट वाली, उनको कलर कर देगा। इसी तरह से हमारे पास बॉटम 10 और बॉटम 10% है, बॉटम 10 आइटम्स, ये इसमें स्मॉलेस्ट वाले 10 आइटम्स दिखा देगा, स्मॉलेस्ट वाले ये आपके 10 आइटम यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है जी। और बॉटम 10% करते हैं तो सबसे छोटे वाले 10 आइटम्स, 10% आइटम्स, एक मिनट, 10% आइटम्स में इसमें देखते हैं, 21 आ रहा है ना यहाँ पे,
और यहाँ पे टोटल रिजल्ट 211। हाँ, इनके काउंट का परसेंटेज लेता है, सम का नहीं। ठीक है जी, अगर सर सौ वही है, मैं भी आपसे कह रहा था। हाँ, सेम सही कह रहे हैं आप, वही लेता है टोटल का नहीं। वो एक्चुअली में अबव एवरेज बिलो एवरेज में ऐसा होता है। टॉप 10 लेने का मतलब है शुरू के 10 रिकॉर्ड, और आठ, टॉप 10% मतलब जितने भी रिकॉर्ड है उनका हाँ, दस दो हजार परसेंट दो देगा हजार आपको, है तो 200 जो दिखाएगा। शुरू के करेक्ट टॉप टेन करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। अब बाकी देखते हैं इसमें। अबव एवरेज है, एवरेज से अबव वाले जो हमारे एवरेज से ऊपर के हैं। अब जी मैंने बिलो एवरेज सिलेक्ट कर लिया लगता है। अबव एवरेज, ये एवरेज से जो अबव होंगे आपके वो दिखा देगा, वो हाईलाइट कर देगा, पूरे का टोटल करके जितना एक वैल्यू के एवरेज बनेगी उससे ऊपर वाले। ठीक है जी, और बिलो एवरेज पूरे की एवरेज लेके जितने क्या बिलो एवरेज वाले होंगे नहीं आपके, एवरेज से नीचे होंगे वो आपको हाईलाइट कर देगा। चलो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं डेटा बार। डेटा बार जैसे आपके कॉलम चार्ट होते हैं उसी तरह से होता है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, डेटा बार में जाएंगे और कोई भी यहाँ पे एक ही चीज है चूज कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि आपके विद इन सेल में आपको ये बार्स दिखाने लगता है एक कॉलम चार्ट की तरह। ठीक है जी, मैं इसको नेम में सॉर्ट कर देता हूं। तो ये आपको दिखाता है, जैसे ही अगर वैल्यू इसमें कम होती है ये भी कम हो जाएगा, ज्यादा होती है। सर आपने अभी क्या किया, किस पे सॉर्ट किया? मैंने नेम पे सॉर्ट कर दिया Z2A। हाँ, अच्छा, ओके, डेट पे कर देता हूँ, ठीक डेट पे बेटर रहेगा। ठीक है जी, तो अलग अलग वेरिएशन हो गई यहाँ पे देखने को, तो एक कॉलम चार्ट की तरह आपको दिखाने लगता है ये। ठीक है जी, इसका यूज आप कहेंगे कि क्या है कि यहाँ पे जो है ना, आपको जब ये 2 डिजिट के नंबर है तो बड़े आराम से पता लग जा रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जब ये इससे ऊपर बढ़ते हैं नंबर, हजारों में आते, लाखों में आते, करोड़ों में आते हैं, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। अब इसमें हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। जी, जिसलिए हम चार्ट यूज करते हैं। चार्ट को यूज क्यों किया जाता है कि जो कंपनी के एमडी वगैरह जितने भी होते हैं उनके पास टाइम तो होता नहीं इतना सारा, तो ग्राफ की शक्ल में समझ लेते हैं कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ नहीं है, पूरा करेक्ट, वो डेटा। ज्यादा विजिबल रहता हाँ, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, तो इसके लिए हम डेटा बार्स भी यूज करते हैं। ये भी आप चार्ट के ही भाई बंधु को समझ लीजिए। ठीक है जी, इसी की तरह पे आपका यहाँ पे है कलर स्केल। अब कलर स्केल है डेटा बार्स की तरह ही, बट इसको यूज कम किया जाता है। ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल आपके पास यहाँ पे, जैसे ही आप ले जाएंगे आपको एक कलर स्केल बताएगा, कलर कोडिंग बताएगा। कलर स्केल होते क्या है? ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल मैंने चूज किया। इसमें क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वहां क्या दिखाएगा? रेड दिखाएगा। ठीक है जी, जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी मिडल पोजीशन, ये येलो की तरफ बढ़ता जाएगा, ये कलर का स्केल इसका येलो की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, मिडल वैल्यू तक आते हुए पूरा येलो हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो ये ग्रीन होने लगेगा। देख रहे हैं सर, और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचते हुए पूरा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये डेटा बार्स की तरह ही है, इसको भी मतलब, पर इसको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है लोगों को। ठीक है जी, तो ये भी
इसी की तरह ही है। नेक्स्ट देखते हैं अपना आइकॉन सेट। अब यहाँ पे हमारे पास आइकॉन्स कुछ दिए हुए हैं। अब इन आइकॉन्स को भी कंडीशंस की तरह यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए हमारी सेल्स है, तो इसमें तीन कैटेगरी हो सकती है, या तो बहुत ही अच्छी है, या तो ठीक ठाक है, और या तो बहुत ही बुरी है। मैंने तीन कंडीशन में डिवाइड कर दिया। मैं अपना आइकॉन चूज कर लेता हूँ कुछ भी, थ्री सिंबल, जो बढ़िया सेल है उसको ये दिखा रहा है, ठीक है जी, जो ठीक ठाक है उसको ये दिखा रहा है साइन एक्सक्लेमेशन, और जो बेकार है वहां क्या दिखा रहा है, क्रॉस, ठीक है जी। तो इस पे हम अपना भी कस्टम लगा सकते हैं कि हम मानते हैं कि मेरा 50 तक भी खराब सेल है, 50 के ऊपर ठीक ठाक है और 80 के ऊपर अच्छा मानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमें, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है ऐसा करने के, बट अब क्या करेंगे, मैनेज रूल्स में चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट रूल करेंगे, तो एक डिफरेंट विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ करना है, यहाँ है, आप ये चूज कर सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है जी, यहाँ पे भी ऑप्शन है परसेंट और नंबर, बाकी परसेंटाइल और फॉर्मूला की जरूरत नहीं, परसेंट और नंबर दो पे ही आप ध्यान दीजिए। नंबर का मतलब है कि आप नंबर दे सकते हैं। मैंने कहा कि भैया जो हमारी 70 से बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं वो ही खाली अच्छी हैं, ठीक है जी, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन इट इज राइट साइड, व्हेन वैल्यू इज लेस देन 50, हाँ लेस देन 70 एंड अबव 50, ठीक है जी, यहां से नंबर सिलेक्ट कर लूंगा। परसेंट में क्या होता है, वो सारी परसेंट में बांट देता है, यहाँ 50 मैंने चूज कर लिया। अब क्या हो गया कि ये अपने आप कंडीशन सेट हो गई, ठीक है जी, 50 से नीचे वाली अपने ऑटोमेटिक उसमें ला देंगे, अप्लाई कर देंगे, आप देख सकते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग उसके हिसाब से हो गया, करेक्ट, ठीक है जी, तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा वापस मैनेज रूल में मैं एडिट में जाता हूं, इसके अंदर आप चाहें तो खाली आइकॉन से दिखा सकते हैं, शो आइकॉन ओनली, ठीक है जी, या आइकॉन का ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है जी, अपने हिसाब से। तो यहां पे आप वैल्यू नहीं दिखा रहा आपको, वैसे दिखा रहा है, इसी इस चीज को आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेटा बार्स जो है आपके, जैसे डेटा बार्स आपने लगा दिए वहां पे दिखाएंगे तो खाली ग्राफ ही दिखाएगा, ठीक है जी, जैसे मैं लगा देता हूँ, मान लीजिए डेटा बार लगा देता हूँ यहाँ पे, अब दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग सकती है, तो देखिए वो भी पड़ा हुआ है, ये भी आ गया। अब वैल्यू हटा दीजिए सर। हाँ, अब मैनेज रूल्स में मैं जाके पहले तो एक को डिलीट करता हूँ, ये राइट चेक वाला जो है डिलीट रूल कर दिया मैंने, ठीक है जी, अब इसमें जाके नंबर हटा दीजिए, शो बार ओनली, ठीक है जी, ओके अप्लाई, ठीक है जी, अब हाँ करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसी तरह से आप बाकी आइकॉन्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी यहाँ तो कंडीशन हमने तीन में सेटिस्फाई कर दी, कि हमने कहा बहुत अच्छा, ठीक ठाक और बेकार। कई बार हमारे पास कंडीशन कुछ ज्यादा होती हैं, कि अच्छा चल रहा है, मतलब एक्सीलेंट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है और बुरा चल रहा है, चार में बांट दिया हमने, पांच में बांट दिया, तो आप यहां से चूज कर सकते हैं चार पांच, जितना भी जितने आइकॉन होंगे उनको जाके अकॉर्डिंग टू आइकॉन आप उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशंस वही दे सकते हैं, सेम वैसा ही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। आइकॉन सेट चूज कर सकते हैं, डेटा बार भी यहीं से चूज कर सकते हैं, इसके ऑप्शन भी आपको यहीं से दिखाएगा, मान लीजिए गलती से आइकॉन निकाल दिया आपने, लगाना था डेटा बार, तो यहां से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो प्री डिफाइंड ऑप्शंस हो गए हमारे। अब कोई नया रूल लगाना है तो आप न्यू रूल से लगा सकते हैं, या मैनेज के अंदर भी आपका न्यू रूल होता है। ठीक है जी, अब जैसा कि मैंने दिखाया, दोनों से एक ही विंडो खुलेगी। हाँ जी हाँ जी, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, उनके वैल्यूज के बेस पे आप कर सकते हैं, जिसमें आप स्केल चूज कर सकते हैं, थ्री कलर स्केल आपका, वो जो रेड येलो और ग्रीन वाला था, डेटा बार चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, कौन सी करनी है, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, आइकॉन सेट कर सकते हैं, आइकॉन भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स हैं। ठीक है जी, बाकी चलते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, अब स्पेसिफिक टेक्स्ट आपको डालना है, कंटेनिंग कंटेन्स वाला आपको दिखाया था। अब ये था आपके सवाल का जवाब, बिगनिंग विद एस। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिगनिंग विद, नॉट बिगनिंग विद, नहीं कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद, तो आप चूज कर सकते हैं। बिगनिंग विद एस कैरेक्टर वाले हमने फॉर्मेट करने थे, फिर से मैंने दे दिया येलो में, इसमें नहीं होगा। सर वो अपने नंबर्स पे लगा रखा है, नंबर्स पे लगा रहे हैं आप सर। यस, मैं हटाता हूँ, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, न्यू रूल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक टेक्स्ट बिगनिंग विद एस फॉर्मेट येलो। ओके ओके, यहाँ पे येलो हो गया। ठीक है जी, जो जो एस से स्टार्टेड है वो वैसे होगा। करेक्ट, तो इसके अंदर भी होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से स्पेसिफिक टेक्स्ट है, डेट अकरिंग है, डेट अकरिंग पे आते हैं, डेट के वही सारे ऑप्शन है इसमें, ब्लैंक्स नो ब्लैंक्स, मतलब खाली हो ना खाली हो, आप यहां से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, एरर हो नो एरर, जहां एरर नहीं है उनको हाईलाइट कर दीजिए। ये टॉप टेन जो हम लोग कह रहे थे कि जो डेट्स गलत फॉर्मेट में हो वहां पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी कि भाई जिसमें एरर्स हैं, गलत डेट्स हैं, वो पर्टिकुलर कलर्स में आ जाए, जो भी करते हैं। अब एरर वो वैसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसके लिए तो आपने टेक्स्ट डाला है, अब वो ये आपको आपने जो डाला है उसको डेट नहीं मान रहा, टेक्स्ट मान रहा है। एरर कब आती है, जब आपका फॉर्मूला गलत कैलकुलेट करता है, जैसे मैंने क्या कर दिया, जीरो से डिवाइड कर दिया किसी वैल्यू को। ठीक है जी, डिवाइड बाय जीरो की तो एरर होती ही होती है, तो इसे कहते हैं एरर, ऐसी एरर जहां आती है। ठीक है जी, उनको तो इनको हाईलाइट करा सकते हैं, बाकी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वो टॉप टेन पर, टॉप टेन आइटम्स एंड अगर इसको सिलेक्ट कर देंगे तो परसेंट। ठीक है जी, टॉप एंड बॉटम इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, वैल्यूज आर अबव एवरेज बिलो एवरेज, खाली यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के लिए भी है, स्टैटिकल के हैं इसका कोई अच्छा खासा वो नहीं, यूनिक वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ से कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब आप बताइए वो जो डेट के लिए आपने सवाल पूछा था वो क्या था, हम उसको करते हैं कि हमें कैसे क्या करना था। हाँ जी राहुल जी, कुछ पूछ रहे थे, हाँ हाँ बोलिए सर, वो डेट से रिलेटेड आप पूछ रहे थे, डेट बोल रहा था जो गलत, जो सबसे शुरू में क्वेश्चन था कि डेट्स गलत फॉर्मेट में पड़ी हैं। नहीं फॉर्मेट तो ठीक है, उसके बाद आप तो इलाज है, नहीं वो तो इलाज तो मैंने कर दिया था उसका। हाँ ठीक करना, बाकी आपको वो चाहिए कि फॉर्मूला में ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपका रिजल्ट जो है ट्रू देगा, ये ट्रू का रिजल्ट जिसका आएगा
उस केस में लेगा। ट्रू रिजल्ट ट्रू और जो है फॉल्स कैसा आता है ये बताओ। हाँ अभी यही सारे मैं ट्रू और फॉल्स चेक कर लेगी ट्रू है या फॉल्स है, अभी आगे बढ़े ना मैंने फिर आपको सिलेंडर क्या पाया। हाँ किसी तरह का भी डेटा उसमें ट्रू एंड फॉल्स कैसे चेक किया जाए। अब देखिए ट्रू और फॉल्स को कैसे चेक करना है, आपके पास ना कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है जी। इसके बारे में मैं डिटेल में क्लास लूंगा ऑपरेटर्स के बारे में, पर आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, और ये नॉट इक्वल टू है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमेशा अगर आप इनको यूज करेंगे तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देंगे। जैसे टू, मैंने पहला रेफरेंस सिलेक्ट किया, मैंने कहा क्या ये ग्रेटर देन है, ऑपरेटर हमेशा सेल रेफरेंस के बाद लगता है। मैंने कहा पूछा ई टू इज ग्रेटर देन दिस वन, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है जी। इसको घुमा दिया मैंने, क्या क्या मैंने कहा ई टू इज लेस देन एफ टू, क्या करेगा, ट्रू करेगा, नॉट इक्वल टू, इस तरह से साइन होता है, ई टू इज नॉट इक्वल टू एफ टू, बोलेगा यस नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। मैच कराना हो जाए कि अगर मैच करता हो तो ट्रू और मैच ना करता हो तो नॉट ट्रू, मैच करने के लिए इक्वल टू, इसमें मैं वो लगाना भूल गया, इक्वल टू ऑपरेटर खाली, ठीक है जी। अगर मैच कर रहा है तो ये इक्वल टू से डायरेक्ट आप मैच कर सकते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है जी। तो ये ट्रू फॉल्स के अंदर रिजल्ट देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देना है उसका रिजल्ट जो है ट्रू फॉल्स में आ रहा है। अब ट्रू फॉल्स में हमें क्या चेक कराना है, पहले आप कह रहे थे कि डेट का जो ईयर है, नहीं मान लीजिए आपका वही वाला ले लेते हैं कि उसमें एरर है, एरर वाले ही हाईलाइट कराने हैं आपने, ठीक है जी। पर हमें फॉर्मूला के थ्रू इसको देना पड़ेगा कि कैसे एरर है, ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला तो हमने आपके सामने लगाया था सम का, ठीक है जी, तो नहीं सम का नहीं, हमने क्या किया था इसमें प्लस कर दिया था, वन प्लस वन कर दिया था, ठीक है जी। पर इसमें एरर है कि नहीं ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, हमारे पास एक इस एरर का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, इस एरर को इसके अंदर डाल दे। हाँ अब ये ट्रू फॉल्स में देगा, एरर है फॉल्स बता रहा है, कहाँ ट्रू बता रहा है, जहां वाकई एरर आ रही है, ठीक है जी। तो मैंने ढूंढना था एरर, तो अब मैं क्या करूंगा इसको फॉर्मूला को, अब फॉर्मूला मैंने क्या कहाँ लगाना है, यहाँ जिस सेल के लिए बनाऊंगा उसको थोड़ा सा लॉकिंग भी करनी पड़ती है मुझे, डॉलर लगाऊंगा ताकि चेंज ना हो जाए, मैं हमेशा कॉलम से पहले ही डॉलर लगाता हूँ, ठीक है जी, कॉलम से पहले हमेशा डॉलर लगाना है। ए टू में जैसे ये सेल रेफरेंस है तो कॉलम जो है वो ए है, तो कॉलम से पहले डॉलर लगाना है ताकि जब मैं इसको ड्रैग करूं इस फॉर्मूला को तो ए चेंज ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बनाया मैंने, इसको क्या करना है, मैंने कॉपी करना है, इस सेल पे जाना है, ठीक है जी, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो हम सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो हमने एक सिंगल सेल ये सिलेक्ट कर ली जिसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था। अब यहाँ क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू फॉर्मूला में जाके यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब फॉर्मेट क्या देना है, मैंने येलो, ठीक है जी। अब यहाँ अप्लाई हो गया वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू कॉपी हो सकती है, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी कर लेंगे और इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी, आ गया। हाँ जी सर, समझ में आया क्या किया मैंने, अब इसमें कुछ भी ये समझ में आ गया। हाँ कुछ भी करना हो इसमें ट्रू फॉल्स में रिजल्ट चाहिए। सर आपने जो आप जब इफ इज एरर लिख रहे थे जहां पे ट्रू है और फॉल्स आ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि ट्रू वाला पार्ट ही येलो हो जाए। हाँ उल्टा कर देंगे क्या, हाँ कर सकते हैं, फॉर्मूले में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं क्या। अब देखिए इज एरर लिखा है, हाँ कई बार ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको फॉल्स के केस में ट्रू कराना है, ठीक है जी,
तो इस फॉर्मूला के ऊपर एक और फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल टू फॉल्स, समझे जी। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, मैंने क्या किया, क्या ये रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स है और नहीं है तो फिर क्या आएगा, तो अब ये उलट गया। नहीं सर मैं कलर की बात कर रहा हूँ। क्या हाँ कलर, अब पहले आपको फॉर्मूला उलटना पड़ेगा ना कलर उलटने के लिए, ठीक है जी। अब इसको मतलब मैंने, ट्रू हाँ इसको मैंने किया, आप देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया उसका रिजल्ट उलट दिया, जहां ट्रू था वहां फॉल्स कर दिया, फॉल्स की जगह ट्रू कर दिया। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर तभी करेगा जब उसे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है जी। तो जब मैंने ट्रू फॉल्स का रिजल्ट उलट दिया तो जाहिर सी बात है जहां एरर नहीं है वहां पे ये हाईलाइट करेगा। ठीक है जी, अब इसको मैंने फॉर्मेट पॉइंटर से नीचे तक ले आया, ठीक है सर। तो चिट भी अपनी, पट भी अपनी, जैसे मर्जी वैसे यूज की, ठीक है सर। तो आज की सभा समाप्त करते हैं, बाकी कल मिलेंगे आगे। अच्छा इसका एक क्वेरी सर, एक क्वेरी था। हाँ जी बताइए सर, आप जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का कह रहे थे वो आपने सर एक कॉलम पे लगाया था, क्या मैं तीन कॉलम पे लगा सकता हूँ पर वो या चार कॉलम पे लगा सकता हूँ, कि चारों कॉलम का रिकॉर्ड अगर सेम है तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट में मानूंगा, उनको डिलीट करना है। मतलब मैं आप जैसे एक कॉलम यहाँ है, ठीक है जी, और तीन ऐसा कॉलम ले लीजिए। हाँ ये हो गए, बीच बीच में कुछ चेंज कर दीजिए, जिसके तीनों कॉलम सेम होंगे डिलीट होगा बस रिकॉर्ड। मतलब जिसके तीन कॉलम सेम होंगे, क्या मतलब, जैसे यहाँ पे तीनों सेम होंगे तब ये डुप्लीकेट है, अगर इस तीनों में से कोई एक भी अलग है तो हम उसको डुप्लीकेट नहीं मानेंगे, हम चाहते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशन लगेंगी, ये इक्वल टू इसके हो जाएगा, ठीक है जी, और ये इक्वल टू इसके हो जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन लग गई यहाँ पे इन दोनों के लिए, और फिर उसमें इन दोनों के लिए, ठीक है जी। अब ये पक्की बात है कि जब दोनों में ट्रू हो, जब दोनों में ट्रू हो तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट, हाँ तो अब दोनों में ट्रू के लिए ट्रू रखना है हमें, तो हमारे पास एक एंड का फॉर्मूला आता है कि जब दोनों वैल्यू, दोनों कंडीशन आपके ट्रू दिखाए तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्ट रिटर्न करेगा। मैंने क्या करना है, एक कंडीशन ये हो गई मेरी, दूसरी कंडीशन ये हो गई मेरी, ठीक है जी। अब आपने क्या कहा कि जो अलग हो, इससे अलग हो, नहीं जब पूरी हो तभी हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ ट्रू फॉल्स सही दिखा रहे हैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके। आपने क्या फॉर्मूला लिखा, एंड एफ टू जी टू एच टू जी टू, ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी फिक्सिंग कर लेता हूँ इनको, यहाँ कॉलम फिक्स कर लेता हूँ, समझ। हाँ कुल मिला के हमें रिजल्ट जो चाहिए वो ट्रू फॉल्स में ही चाहिए, ठीक है जी। ये फॉर्मूला मैंने कॉपी किया, पहली सेल पे आ गया, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल और यूज फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अपना जैसे कोई भी कलर ग्रीन ले लिया मैंने, ओके कर दिया। देन इसको क्या करना है, ठीक है सर, करेक्ट। तो ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हैं, बाकी जैसे जैसे आप फॉर्मूले सीखेंगे, अभी तो मैं बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगा रहा हूँ, जैसे जैसे फॉर्मूले सीखेंगे तो आप वी लुकअप भी यूज कर सकते हैं, काउंट इफ भी यूज कर सकते हैं, मैच इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, काउंट इफ, मतलब एवरीथिंग यू आर यूजिंग इन एक्सेल यू कैन यूज इन योर ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है सर। ठीक है सर, सर एक चीज और बता दीजिए। हाँ जी बताइए, डाउनलोड करेंगे इसको, बिल्कुल सर, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, किसको, ये जो मीटिंग आप अभी YouTube पे अपलोड करेंगे वो